जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अद्भुत गोपाला में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो दोस्तों राधा रानी के जन्म की कथा जरूर सुनें। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी। एक बार कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। ये बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी को श्री कृष्ण जी को बुरा भला कहने पर भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र सीदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सीदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने सीदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से सीदामा का जन्म शंखचूड दानव के रूप में हुआ और आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु जी के परम भक्त बने। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर ब्रजभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म ब्रजभानु जी के घर तो हुआ लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और सीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको ब्रजभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे ही अवतारों में से एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर तो रहेंगी पर मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी ने राधा जी को मनुष्य रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने ब्रजभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा रानी का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इसी दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे।